बेटा जैसे कि आपको पता है हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं ऑफ योर केमिस्ट्री पोर्शन स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन चैप्टर 5 वी आर डूइंग स्टेट्स ऑफ मैटर. And in this case, we are doing ideal gas equation. Or you can say equation of state. तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने डेरिवेशन कर ली थी PV is equal to NRT की. ये मेन आपकी जो रहती है आइडियल गैस इक्वेशन रहती है PV is equal to NRT. यहाँ पे N आपके पास पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, ये होते हैं गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास. तो ये फॉर्मुलेशन. इसके अलावा ये कहाँ से ड्राइव हुई थी, गैस लॉज. जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बेस्ड या कोई भी पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक के बेस्ड, तो वहां पे एक चीज आप लोगों ने नोटिस करनी होती है बेटा कि फॉर्मुलेशन से रिलेटेड सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है आप लोगों ने, फॉर्मूला यूज्ड या फॉर्मूला टू बी यूज्ड इन द गिवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और वहां से जो चीजें आपके पास प्रेजेंट है वो आपने आइडेंटिफाई करके लिख लेनी है. उसके बाद जो चीज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूले को क्या कर देना आपने, मॉडिफाई करके, मॉडिफाई इन द सेंस रीअरेंज करके, वहां से आप लोग रिस्पेक्टिव जो भी वो प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपने आइडेंटिफाई कर देनी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जहां से ये इक्वेशन ड्राइव हुई है वो गैस लॉज आपको पता होने चाहिए. कौन से सबसे पहले, बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या बोलता है बेटा, बॉयल्स लॉ बोलता है पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट, दैट इज टी एंड एन, ये दोनों कॉन्स्टेंट रहते हैं इस केस में. तो यहां से बन जाएगा पी वी कॉन्स्टेंट रहता है, दैट इज अगर आप कंडीशन अप्लाई करते हो जैसे कि ये फर्स्ट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी प्रॉब्लम का, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस. मीन्स टू से आपके पास कोई गैसियस कंपोनेंट प्रेजेंट है, वहां पे आपको पूछा गया है कि आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है कब, जब एक गैस है जिसका वॉल्यूम 500 डेसीमीटर क्यूब है एट 1 बार प्रेशर, मतलब P1 आपको आ गया 1 बार प्रेशर और V1 वॉल्यूम आ गया इनिशियल वॉल्यूम 500 डेसीमीटर क्यूब, आपने उसको कंप्रेस किया, वॉल्यूम आपने रिड्यूस करना है 200 डेसीमीटर क्यूब तक, मतलब वॉल्यूम जो न्यू वॉल्यूम अराइज हो रहा है वो है 200 डेसीमीटर क्यूब. तो वहां पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2. ठीक है, P1 आपको गिवन है बेटा, P1 एंड V1 दोनों चीजें गिवन है. P1 कितना है, 1 बार, ये 1 बार गिवन है, इनटू V1 आपके पास 500 डेसीमीटर क्यूब है, और P2 आपने पता करना है 100x मान लीजिए, XYZ या ABC कुछ भी मान लीजिए, इंटू V2 आपके पास 200 डेसीमीटर क्यूब है. अब इसको जस्ट रीअरेंज कीजिए और आपके पास जो है वो आंसर जो है वो दैट इज प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द गिवन गैस अप टू द वॉल्यूम 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंडीशन, वो आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा. इस तरह से बेटा आप लोगों ने ये करना है. ठीक जी, इसके अलावा अब जैसे सेकंड स्टेटमेंट है, अगेन वही बॉयल्स लॉ यूज हो रहा है. अब यहां पे देखिए कहता है वेसल है 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस. सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ वेसल तो गिवन है टोटल, लेकिन उसमें गैस का वॉल्यूम जो प्रेजेंट है वो नहीं है गिवन. कहता है सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार प्रेशर, मतलब P1 जो है वो आपको गिवन है 1.2 बार. ठीक है, द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 ml.
अब गैस को क्या किया गया, सेकंड वेसल में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ वेसल की बात हो रही है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना है सेकंड, 180 ml वाले वेसल में उसको ट्रांसफर कर दिया। व्हाट वुड बी द इट्स प्रेशर, और वहां पे प्रेशर आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या होगा। तो मींस टू से V1, अब क्योंकि गैसेस वॉल्यूम नहीं है लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम आपको गिवन है, तो हमने क्या करना है कि वही वॉल्यूम जो आपको गिवन है, कंटेनर का वॉल्यूम ही लेकर चलना है क्योंकि वही कंडीशन गिवन है। पहले गैस थी प्रेजेंट किसमें, 120 ml वाले कंटेनर में, तो हमने वहां पे ले लिया V1, ले लिया 120 ml, और P1 जो है प्रेशर जो है वो वहां पे 120 ml वाले कंटेनर का जो प्रेशर है बेटा वो कितना है, वो है आपके पास 1.2 bar, ठीक है, ये गिवन है। अब उस पर्टिकुलर गैस को सेकंड बीकर में ट्रांसफर किया गया, जिसका वॉल्यूम बीकर का जो वॉल्यूम है वो है 180 ml। तो वो पूछ रहा है कि जब उस पर्टिकुलर गैस को, सेम अमाउंट है, टेम्परेचर भी सेम है, सिर्फ जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है वो चेंज हो रहा है, पहले किस वॉल्यूम वाले कंटेनर में थी, 180 ml कंटेनर का, कंटेनर में गैस प्रेजेंट थी, उसी सेम अमाउंट ऑफ गैस को अब ट्रांसफर कर दिया किसमें, 180 ml वाले कंटेनर में, मतलब ऐसा कंटेनर जिसका वॉल्यूम 180 ml। तो वहां पे वो पूछ रहा है कि उस सेकंड कंटेनर में सेम अमाउंट ऑफ गैस का प्रेशर क्या होगा। तो अगेन वही फॉर्मूला P1V1 = P2V2 अप्लाई कर दीजिए, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ जो हम लोग डिस्कस, जैसे मैं बता रहा था कि आइडियल गैस के, ये तो हो गए गैस लॉज बेस्ड न्यूमेरिकल, ऐसे ही होते हैं, बड़े सिंपल से होते हैं, इसी तरह से चार्ल्स लॉ के होंगे बेटा, ठीक है, इसी तरह से आगे आपके पास जो नेक्स्ट डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसके भी इसी तरह से आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह की टर्म्स में, या मास गिवन हो सकता है, वो आपके सिंपल रहते हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल है आपका, फोर्थ न्यूमेरिकल है बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फोर्थ न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 0 degree Celsius द डेंसिटी ऑफ अ गैसियस ऑक्साइड एट 2 bar, ध्यान से सुनना है, द डेंसिटी ऑफ अ गैसियस ऑक्साइड एट 2 bar इज सेम एज दैट ऑफ नाइट्रोजन एट 5 bar। एक कोई गैसियस ऑक्साइड है, उसकी डेंसिटी 0 degree Celsius के ऊपर एंड 2 bar प्रेशर के ऊपर सेम है, किसके सेम, नाइट्रोजन की डेंसिटी के एट 5 bar, मतलब नाइट्रोजन की डेंसिटी एट 5 bar और गैसियस ऑक्साइड की डेंसिटी एट 2 bar, दोनों क्या है, सेम है, समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है, स्टेटमेंट क्या बोल रही है, स्टेटमेंट बोल रही है कि जो डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड एट 2 bar ये इज इक्वल टू है बेटा किसके, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट 5 bar, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट 5 bar प्रेशर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, 0 degree Celsius की बात हो रही है। अब पूछ क्या रहा है, कहता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड, आपको पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर मास m फाइंड आउट करना है आपने, किसका, इस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे बेटा, जो रिलेशनशिप हमने ड्राइव किया था किसके विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ऑफ अ गैस एंड इट्स डेंसिटी, वो रिलेशनशिप आप यहां पे बेटा अप्लाई करोगे, ठीक है जी। तो डेंसिटी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये नोट कर लेनी है, नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो आपकी रिलेशनशिप था डेंसिटी एंड जो मोलर मास एंड प्रेशर के बीच में, वो था डी इज इक्वल टू एमपी ओवर आरटी, ये रिलेशनशिप आप बेटा ड्राइव करते हो जब फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया होगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो दोबारा से कर लीजिए, इस रिलेशनशिप को पूरा ड्राइव करना है आप लोगों ने बेटा, साइड बाय साइड पी, बड़ा इजी सा है ये, यहां तक तो आपको पता ही है पी वी इक्वल टू एन आर टी होती है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स डब्ल्यू ओवर एम होता है आर टी, और पी वी
तो P इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, W ओवर V इंटू आर टी ओवर M, और ये क्या बेटा, ये जीअप वाली चीज होती है, ये होती है डेंसिटी इंटू आर टी ओवर M। तो जब आप डेंसिटी फाइंड आउट करोगे तो डेंसिटी आ जाएगा ये वाला, डेंसिटी इज इक्वल टू एम पी ओवर आर टी। बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया वो कर लेना आराम से, कोई यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। तो ये रिलेशनशिप आप अप्लाई करोगे, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आर की वैल्यू ऐसे, ये रिलेशनशिप है, मैं लिख रहा हूं डी गैसियस ऑक्साइड इज इक्वल टू डी नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, अब नाउ डी गैसियस ऑक्साइड ये आ गया एम पी ओवर आर टी गैसियस ऑक्साइड, और डी एन टू में एम एन टू पी एन टू, मतलब एम मतलब मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन, पी प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ओवर आर टी, आर टी कॉन्स्टेंट है ये, आर टी दोनों तरफ तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब बचे हमारे पास एम पी, एम गैसियस ऑक्साइड एंड पी गैसियस ऑक्साइड, और इधर एम मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। अब गैसियस ऑक्साइड का बेटा प्रेशर कितना था, गैसियस ऑक्साइड एट टू बार, दैट इज एम पता करना है अपने, एम इंटू टू इज इक्वल टू किसके इक्वल, एम एन टू, एम में एम एन टू मीन्स मॉलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना रहता है नाइट्रोजन का, एन टू का मॉलिकुलर मास 28 ग्राम। तो 28 इंटू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है वहां पे, इट इज 5 बार। ठीक है बेटा, तो यहां से आपके पास ये 2 बार है, ठीक है, बार बार दोनों तरफ कैंसिल हो गए, तो यहां से आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा एम इज इक्वल टू 28 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 14 जा 28 रहते हैं, और एम आपके पास बेटा 14 5 जा आपके पास 70 ग्राम आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, जो आपकी गैसियस ऑक्साइड है जो। ठीक है जी, इस तरह से हम लोग बेटा इसको आइडेंटिफाई करेंगे। याद रखना, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन अगर ये आप यूनिट ले रहे हो तो ये मॉलिक्यूलर मास भी यूनिट में आएगा, अगर ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले रहे हो तो ये भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा, ये याद रखना आपने। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस। इसी तरह से एक और डिस्कस करते हैं, जैसे आपके पास है ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, कहता द प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस ए, ध्यान से सुनना है सभी बच्चों ने, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस मीन्स टू से ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो क्वेश्चन है ये बेटा यहाँ पे अप्लाई हो रही है। आइडियल गैसेस वो होती हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक ही है हमारा, आइडियल गैसेज आर दोज विच ओबे ऑल द गैस लॉस अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यू कैन से डायरेक्टली अगर मैंने कहना है विच फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन, और एनी गैस विच ओबे इक्वेशन ऑफ स्टेट और आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज नोन एज, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है। अब वो बोले आइडियल गैस है कोई, उसके लिए क्या कह रहा है, 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस ए एट 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 2 बार, प्रेशर आपको गिवन है पी ऑफ आइडियल गैस कोई, कोई भी आइडियल गैस है एट 20, दैट इज 2 बार प्रेशर, मास ऑफ गैस गिवन है, मास ऑफ गैस ये आपको गिवन है 1 ग्राम, और प्रेशर भी गिवन है, पी भी कितना गिवन है, पी इज 2 बार एट कितना 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, मतलब सेकंड लाइन कहता व्हेन 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस बी, ये तो हो गया गैस ए
ठीक है। अब अनदर गैस, मास ऑफ गैस बी, सेकंड कंडीशन ले रहे हैं, मास ऑफ गैस बी कितनी प्रेजेंट है, 2 ग्राम ऑफ अनदर गैस बी इज इंट्रोड्यूस इन द सेम फ्लास्क, उसी फ्लास्क में रखी गई है एट सेम टेम्परेचर, द प्रेशर बिकम्स 3 बार। अब यहां पे प्रेशर ये आ गया पी ए का प्रेशर, मतलब गैस ए का प्रेशर आ गया बेटा, और ये आ गया पी बी का, ठीक है। ये कितनी थी, 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम थी, प्रेशर कितना हो गया पी बी का, 3 बार। क्लियर बेटा, टेम्परेचर कंडीशन सेम है, वेसल भी सेम है। नाउ कहता फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मोलिकुलर मासेस, आपने क्या फाइंड करना है, इन दोनों गैसेस के मोलिकुलर मासेस में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बेटा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर डी, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो फॉर्मूला तो तब लगे, पहले क्या करेंगे इसके केस में हम लोग, जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर डी होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स दोनों गैसेस के, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो फर्स्ट केस में मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इस केस में आपके पास एन ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है वो आपके पास आ जाएगा, गिवन मास कितना है 1 ग्राम ओवर इट्स मॉलिक्यूलर मास एम, ठीक है बेटा। इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए ये ए गैस के, सिमिलरली बी गैस के एन बी, ये आपके पास बेटा आ गया 1/mb, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस 1/ma, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है उनमें, और एन बी 1/mb आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट। नाउ टोटल प्रेशर जो रहता है आपके केस में, इस केस में जो पी ए प्लस पी बी रहेगा, क्योंकि सेम वेसल में ले रहे हैं, ठीक है, पहले एक गैस को उसी पे, फिर दूसरी गैस को भी उसी, जो वहां पे अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर जो टोटल प्रेशर रहता है पी टोटल, तो पी टोटल कितना रहेगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी 2+1 कितना आ जाएगा यहां पे 2+3 है, एक आपके पास 2 बार प्रेशर है और दूसरा 3 बार है, तो 2+3 इज इक्वल टू 5 बार, ये साइड पे निकाल के रख लेना है, ठीक है जी, जो टोटल प्रेशर है आपके पास पी ए इज इक्वल टू 2 बार, जब 2 ग्राम गैस ली गई अनदर इंट्रोड्यूस इन द सेम फ्लास्क, तो सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर के ऊपर द प्रेशर बिकम्स 3 बार, ठीक है। तो फाइंड द रिलेशनशिप, तो ये आ गया आपके पास टोटल प्रेशर पी 5 आ गया, दैट इज पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 5 बार प्रेशर आ जाएगा, ये टोटल प्रेशर जो है, लेकिन ये बाद में देखते हैं। पहले हम लोग अब अप्लाई करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन ऑन बोथ, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है ऑन बोथ ऑफ द केसेस पे, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फाइंड आउट कर दीजिए, अप्लाई करेंगे ये आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहां से वॉल्यूम कांस्टेंट है पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी, क्योंकि आर कांस्टेंट है टी कांस्टेंट है वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है। सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू सॉरी पी वी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी, ये आ गया आपके पास पी ए वी आ गया एन ए आर टी, पी वी बी आ गया एन बी आर टी, वी कांस्टेंट है वॉल्यूम सेम वॉल्यूम ले रहे हैं वो, ठीक है। अनदर गैस बी इंट्रोड्यूस द सेम फ्लास्क एट सेम टेम्परेचर कंडीशन, नाउ दोनों केसेस में अब इन दोनों को एक तरह से आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए पी ए ओवर पी बी, पी ए वी ओवर पी वी बी इज इक्वल टू एन ए आर टी ओवर एन बी आर टी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी बी कैंसिल हो गया, तो पी ए ओवर पी बी इज इक्वल टू 1 na की वैल्यू क्या है 1/ma ओवर nb 1/mb, ठीक बेटा, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। पी ए पी बी की वैल्यू आपको आपने अभी फाइंड आउट की है, पी ए और पी बी तो गिवन ही है आपको, पी ए आपके पास 2 बार है, पी बी इज इक्वल टू 3 बार है आपके पास, ठीक। तो उस केस में
दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास क्या बन जाएगा, ये यहां से इसको थोड़ा सा इक्वेट कर लो, आपके पास बन गया पी ए ओवर पी बी इज इक्वल टू एम बी ओवर एम ए। ये रिलेशनशिप बन जाएगा प्रेशर एंड मॉलिकुलर मास दोनों गैसेस के विद रिस्पेक्ट टू आपके पास आ गया यहां से। तो यहां से आपके पास जब हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा आपके पास पी ए ओवर पी बी इज इक्वल टू इस केस में आप लोगों ने यहां पे मॉलिकुलर मास नंबर ऑफ मोल्स यहां पे 2 ग्राम था, 2 ओवर mb, ये याद रखना है, 2 ओवर mb है ये, और ये बन जाएगा आपके पास mb ओवर 2 ma, ये बन जाएगा। और हमने यहाँ पे 1 1 ही कंसिडर कर लिया, एक 1 ग्राम है, 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस ए एंड 2 ग्राम ऑफ नदर है, हाँ बी जो है वो 2 ग्राम है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ से आपके पास अब ये जो रिलेशन है ये पहुंच जाएगा पी ए ओवर पी बी आपके पास आ जाएगा यहाँ से। पी ओ पी ए कितना था, दैट इज पी ए इज इक्वल टू 2 bar है, और दूसरे पास दूसरा दूसरी तरफ जो है दैट इज 3 bar है। तो अब क्योंकि पी ए इज इक्वल टू 2 bar है, तो उस केस में पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू जो टोटल प्रेशर बन रहा है व्हेन 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस बी इज इंट्रोड्यूस इन द सेम फ्लास्क, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल प्रेशर क्या बन गया आपके पास 3 bar। तो पी ए प्लस पी बी जो है, पी ए प्लस पी बी टोटल प्रेशर क्या है 3 bar। अगर जब अलग अलग लेंगे तो मान लीजिए अलग अलग कंडीशन है तो उस केस में 5 bar बनेगा, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कहता 2 ग्राम अनदर गैस बी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेम फ्लास्क एट सेम टेम्परेचर, मतलब पहले जो गैस है उसी में डाल दी गई दूसरी गैस भी, तो टोटल प्रेशर अब जो है वहां पे वो 3 bar बना है टोटल प्रेशर, मतलब ए और प्लस बी को मिलके। तो ए आपके पास पी ए कितना था 2 bar था, तो 2 plus pb इज इक्वल टू 3 bar, और यहां से आपके पास पी बी बन जाएगा 1 bar, ठीक है। पी ए आपके पास कितना है 2 bar है, तो 2 इज इक्वल टू mb ओवर 2 ma, और mb इज इक्वल टू बेटा बन जाएगा 2 to the 4 ma, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, याद रखना है स्टेटमेंट में, ठीक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जब एक पर्टिकुलर वेसल में 1 ग्राम ऑफ गैस ए ली गई है तो उसका प्रेशर है 2 bar, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि व्हेन 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस बी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेम फ्लास्क, आपने एक गैस बी डाल दी उसमें विच कंटेन्ड द सेम फ्लास्क विच कंटेन ए आइडियल गैस, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर द प्रेशर बिकम्स 3 bar। अब प्रेशर कितना हो गया 3 bar हो गया, जो मैंने यहां पे लिखा था पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 5, वो तब था अगर मान लीजिए पी बी गैस को अलग से रखते और ए गैस को अलग से रखते, देन डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू हम लोगों ने कर देना था 3 plus 2 लगा, यहां पे भी वही है डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, लेकिन उन्होंने टोटल प्रेशर आपको गिवन है, वो आपके वो स्टेटमेंट में गिवन है कि 2 ग्राम जब सेम वेसल में इंट्रोड्यूस करवाई गई तो प्रेशर कितना हो गया 3 bar, दैट इज पी ए प्लस पी बी हो गया 3 bar यहाँ पे, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू आपके पास क्योंकि 2 ग्राम है, पी बी आपके पास 1 ग्राम आ जाएगा, यहाँ से आपके पास मॉलिक्यूलर मास का रिलेशनशिप डेवलप हो गया बिटवीन द टू आइडियल बिटवीन द मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ 2 ideal गैसेस। इस तरह से हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इसी तरह से 7th numerical है, what will be the pressure exerted by mixture of 3.2 gram methane and 4.4 gram of carbon dioxide? अब यहाँ पे आप अप्लाई होगा, देखिए 3.2 gram methane के number of moles निकाल लीजिए, 4.4 gram of carbon dioxide के number of moles निकाल लीजिए। methane होता है CH4, ठीक है बेटा, और carbon dioxide होता है CO2। पहले number of moles निकालेंगे, ठीक है, ideal gas equation लगा लेंगे, PV is equal to nRT, clear? देन प्रेशर निकाल लेंगे मिथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, देन डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करके पी ए प्लस पी बी अप्लाई करके आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। इस तरह से बेटा आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल जो है सोल्व करने हैं।
आइडियल इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल दें बेटा, सभी के सभी इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। क्लियर? ये आप लोगों ने इजी इजी न्यूमेरिकल है, कोई यहाँ पे बड़ी वाली मतलब कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल्स नहीं है, इजी से न्यूमेरिकल है, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर?